गांव में किसी भूखे पर नजर पड़ी? नहीं। कोई सर्दी में ठिठर के मर गया? जी नहीं। हमारे खिलाफ कोई आवाज उठी? जिमीदार पागली के बेटे पीर बख्श, पीर बख्श के बेटे इमाम बख्श, इमाम बख्श के बेटे हशमत, यानी हमें किसने ललकारा? ठेकेदार करीम खान ने। शहर में ठेके ले लेकर करीम खान ने नई नई दौलत देखी है। उसी दौलत के गुरूर पे बताओ उसने मेरे खिलाफ क्या और फोल पका है, मेरे वकार पे कैसी मिट्टी उठा ली है। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अरे तो हम क्यों जले? खुदा ने हमें दो दिए। ठेकेदार ने आपका हुक्म तोड़ा है, उसके घर नाचने के लिए तवाइफ आई है। तेरी आँख विच डूब गई वे, तेरी आँख विच डूब गई वे, मैं खड़ी खड़ोती नसीब, आपके कदमों ने इस घर की दहलीज को पार करने के काबिल समझा है। हम पूछते हैं क्या हमारे शजरे को दीमक चाट गई? किसने कहा? इस गांव में तवायफ नहीं आएगी, ये हमारा हुक्म था। फिर तवायफ क्यों आई? यहाँ तो सिर्फ गाना बजाना हो रहा है। गाना बजाना शरीफों का काम नहीं, हमें इससे नफरत है। तुमने हमारी हवेली में सितार बजते सुनी? हमारे पैरों में घुंघरू देखे? तुम हमारे घर से एक सुर बरामद कर दो, हम अपनी मूछ नीचे कर लेंगे। संगीत आपके घर में चोर दरवाजे से दाखिल हो चुका है, जाकर अपनी आंखों से देखिए। गांव के बाहर नौटंकी में आपका बड़ा लड़का ठुमक ठुमक कर नाच रहा है। शोला बन कर क्यों भड़की फागुन की ठंडी रातों में, शोला बन कर क्यों भड़की, बोल इरादा क्या है तेरा, अरे बोल इरादा क्या है तेरा, मेरे महल्ले की लड़की। अरे जो भी इरादा करके फागुन की ठंडी रातों में शोला बन कर क्यों भड़की। छम करती मत आया कर, खतरा है यूं आने में, छम छम करती मत आया कर, खतरा है यूं आने में, ऐसा ना हो कोई देखने वाला रपट दिखा दे थाने में, देख लगानी पड़ जाएगी, देख ल
लगानी पड़ जाएगी मुझको बाजी सर धड़ की फागुन की ठंडी रातों में शोला बनकर क्यों भड़की। फागुन की ठंडी रातों में झोला बन कर क्यों भड़की। पहला नंबर सब गोरों सब कालों में, अरे जाजा रे, इश्क में है मेरा पहला नंबर सब गोरों सब कालों में, बांध के दिल मुझे दुनिया भेजे रेशम के रुमालों में। अरे ठीक है लेकिन डर उस दिन से, ठीक है लेकिन डर उस दिन से, रुत जब आएगी पतझड़ की फागुन की ठंडी रातों में शोला बन कर क्यों भड़की। बोल इरादा क्या है तेरा मेरे महल्ले की लड़की, फागुन की ठंडी रातों में शोला बन कर क्यों भड़की। क्या हुआ जवान बेटे का थप्पड़ों से मुंह लाल कर दिया, गांव भर में जलील किया इसे, क्या किया इसने? इसने मेरी मूछ नीची कर दी, ये नौटंकी में हिजड़ों की तरह गाना गाता है। हाय भैया, क्या ये भांडों का घर है? नहीं, जिम्मेदारों का। जिम्मेदारों की औलाद होकर तूने गाना क्यों गाया? ये मेरा शौक है अब्बा। इसे छोड़ दे। छुटता नहीं मुँह से, ये काफिर लगा हुआ। ये शौक लेकर तू इस घर में नहीं रह सकता। बोल, तुझे गाना चाहिए या ये घर? बोल दे बेटा, तुझे घर चाहिए। संगीत मेरी जिंदगी है फूफी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो जो कुछ उठा सकता है उठा और निकल जा इस घर से। तस्लीम बेटा, मैं इनकी माँ नहीं, मगर मैंने इन दोनों को माँ बन के पाला है। मैं मिन्नत करती हूँ, रोक लो तस्लीम को। अगर उसका इतना ही दर्द है तो जाके कहो उससे गाना छोड़ दे और मुझसे माफी मांगे। मैं जाती हूँ। अबे तू क्या देख रहा है? बेटा, तूने जाने का पक्का इरादा कर लिया? हाँ पप्पी। कहाँ जाएगा? दादा की नगरी लाहौर। नहीं पल्लू, तुझे देखते हूँ तो आंखों की गोद भरती, इनकी गोद खाली करके ना जा। गाने से तौबा कर ले और बाप से माफी मांग ले। शर्तों पे जीना कोई जीना नहीं होता पप्पी, तो आधे के मैं जाऊं तो कुछ बन के ही आऊं। उल्लू का पट्टा, गधा, झुका। तुम झुकते हो जो वो झुकेगा, वो भी तुम्हारा खून है। गाना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में घर छोड़ता है। वो देखो, वो आ रहा है। रोक लो उसे, रोक लो। मिन्नतें जाया ना करो फूफी, मैं किसी के लिए इज्जत का बाइस नहीं, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं दौलत लेके नहीं जा रहा, लेकिन
खाली भी नहीं। इस घर की बहुत सी यादें मेरे साथ हैं। अच्छा मुन्ने, खबरदार जो उसके गले लगा। मुझसे ये हक भी छीनने का शुक्रिया अब्बा। आप खुश रहे, खुदा आपको कोई दुख ना दे। इस घर में हमारे इतने ही दिन थे। अच्छा फूफी, खुदा हाफिज। रोती क्यों है? अपने नसीबों को बेवा हूं ना, तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ी हूँ। आज मेरा भी घर होता, मेरी भी आवाज होती तो देखते कैसे निकालते तुम उसे घर से। अरे निकाला इसलिए है कि ठोकर खा के देखेगा कि इस घर में कितने सुख थे और परदेश में जीना कितना मुश्किल है। चार दिन पाके करेगा तो लौट आएगा नालायक। पट 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 संगीत का रसिया। ने मुझे बाप नहीं समझा तो बस मैं भी समझूंगा कि मेरा सिर्फ एक बेटा है और वो बेटा है मुन्ना। बस मैं इसे अपने मिजाज के मुताबिक ढालूंगा। ये किसान बनेगा, किसान जो सितार नहीं बजाता, जमीन से रोटी उगाता है। मुझसे काम नहीं होगा, ये देख हाथ में छाले पड़ गए हैं। गाय की लाते ही खिलवानी थी तो अब्बा ने पढ़ाया क्यों था? उसे टिड्डियों ने खाना था तो सर्टिफिकेट मैंने लिया ही क्यों था? बड़ा जब गया था तो दिल बहुत रोया था। अब तेरी हालत देख के लगता है कि वो शहर जाके अच्छा ही रहा। तुझे कैसे पता है भैया शहर जाके अच्छा रहा? बाप को ना बताना, खत आया था उसका। लेकिन चक्कर देना जरूर जानता। अब्बा को ऐसा चक्कर दूंगा कि अब्बा अपने मुंह से कहेंगे कि जा मुन्ने इसी वक्त शहर जा। तू जरा बोल, खाना खा ले बेटा। क्या बोल? खाना खा ले बेटा। खाना खा ले बेटा। इस तरह नहीं, ऊंचा बोल, खाना खा ले बेटा। खाना खा ले बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैंने कह दिया है मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या दुश्मनी तुझे खाने से? क्यों चीख रहा है? चुल्लू भर पानी ले आपा ताकि मैं डूब मरूं। ठेकेदार करीम खान शहर से चार पैसे का कमा लाया, हमारे खानदानी वकार के लिए खतरा बन गया है। खुल के बोल। कल तक हम उसके जिस ताले के साथ खेलना अपनी हद तक समझते थे, आज आज वही हमें चोटें कर रहा है। क्या चोट की है उसके साले ने? कहता है अब्बा, कहता है तेरा बाप बात बात पे कहता है मैं बाग अली के बेटे पीर बख्श, पीर बख्श के बेटे इमाम बख्श, इमाम बख्श का बेटा हशमत। ये कहने से कौन रोक सकता है मुझे? वो कहता है खानदानी बड़ाई के सिवा तेरे बाप के पास कुछ नहीं, तेरा बाप हवा भरा लिफाफा है। कहता है मेरा भेनोई दौलत का समंदर है और तेरा बाप एक छोटा सा नाला है। साले। वो कहता है तेरे बाप के पास पैसा होता तो तुझे शहर भेजकर ट्रैक्टर न मंगवा देता, तू मजदूरों की तरह काम करता, तेरे हाथ में छाले पड़ते। पैरों की मिट्टी मत छोड़ना मुन्ने, मैं अभी आया। मुझे भी तो बता बेटा, ये सब क्या है? चक्कर फूफी, चक्कर। चक्कर? हाँ। ये ले पैसे और आ
आज ही शहर जा और जाते हुए ठेकेदार के दरवाजे पे रुकना और ललकार के कहना, ठेकेदार के साले मैं ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ, जा। कल ना चला जाऊँ अब्बा? नहीं, सवाल मेरी मूछ का है, तू आज ही जाएगा। शहर में मेरे दोस्त रहते हैं प्रोफेसर अबुल सत, मैंने उन्हें तार दे दिया। जी ये पता ले जा और उन्हीं के पास ठहरना। नहीं अब्बा, उनके पास ठहरा तो जिंदगी के किसी मोड़ पर एहसान जताएंगे कि हमने मुराद बख्श के बेटे हशमत, हशमत के बेटे सलीम को घर में जगह दी थी। मैं किसी होटल में रहूंगा बेटे। जी अब्बा। बुल्ले, मेरी अक्ल के आगे आज तक किसी का चराग नहीं चला, लेकिन तूने मुझसे ज्यादा अकल की बात की है। बेटा हूँ आपका। बेशक तू मेरा ही बेटा। और सुन, शहर में तेरा नाहंचार भाई जी रहता है, अगर उससे मुलाकात हो जाए तो। रसमन गले लगा लूं अब्बा? नहीं, मुंह फेर लेना। जी अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है सर। पैसे कितने? 800। ओ तो वाह, बहुत महंगाई होगी। ये लो। थैंक यू। बिखर गए। अरे 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 अरे, किसी ग्रो की एजेंट हो क्या? ग्रो की एजेंट? जासूसी नॉवल पढ़ पढ़ के मैं तुम्हारे जैसे किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ। तुम मेरा पैसा नहीं लूट सकती। आपने मुझे गलत समझा। अरे जाओ जाओ, अपने हुस्न का जाल किसी और पे फेंको, मैं तुम्हारे चुंगल में फंसने वाला नहीं। एक मिनट, आपको पता चला आदमी क्या है? बुलबुला पानी का। पानी का बुलबुला? केले का एक मामूली सा छिलका किसी को भी जिंदगी भर के लिए तैमूर लंग बना सकता है। आप जरा सा और फिसलते तो सड़क के अन बीच में पहुंच जाते और ऊपर से आ जाती तेज रफ्तार गाड़ी। और ये तो आप जानते ही हैं आजकल लोग कितनी वैश्याना ड्राइविंग करते हैं। आप गाड़ी की जर्द में आ जाते तो इस जहां से उस जहां में पहुंच जाते। तुम मुझे मौत का मंजर क्यों दिखा रही हो? ताकि आप सोएं तो आपके दिल पे बोझ ना हो। आप किसी हादसे का शिकार हो तो आपको मरने का अफसोस ना हो। अब भी सुकून का रास्ता है लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी पर दस्तखत फरमाइए और इस दुनिया से ठंडे ठंडे गुजर जाइए। ये रास्ता किसी और को दिखाइए, क्योंकि मुझे अभी जिंदा रहकर दुनिया की कई बहारें देखनी है। ये तोता तो चालाक निकला, दाना चुगे बगैर हाथों से उड़ गया। अब किसी और के लिए जाल बिछाया जाए। बेगम, प्रोफेसर अबुल हसन को क्या क्या दिन दिखाओगी? अब तुम्हारी आदत को आने वाला हर शख्स पूछेगा, ये आपकी बेगम के फिसलने के दिन तो न थे, ये फिसल कैसे गए? किसने पूछा?
है, इसने सड़क पर छिलका क्यों फेंका था? पापा पापा, मेरा निशाना मामा नहीं थी। मैं समझता हूँ बेटे, तेरी माँ में यही तो खूबी है, ये आंखें माथे पे रखती है। परसों गटर में जा गिरी, पड़ोस की बिल्डिंग के सारे शीशे तोड़ दिए, आज खानदान की इज्जत खरे रहा है सड़क पर बखेर दी, बगैर तकिए के सड़क पर लेटी हुई। मुझ पे इतने बातें मत कसो, इससे पूछो इसने सड़क पर छिड़का क्यों फेंका था। अपना अपना स्टाइल है, इंश्योरेंस को हमारी जान चली जाती, अपना अपना स्टाइल है। पापा बेटी खुशबू, समाज में लड़कियों का खुद कफील होने के लिए जद्दोजहद करना बेदारी की दलील है, और इंश्योरेंस भी एक अच्छा पेशा है, लेकिन बेटे क्लाइंट को खतरनाक अंजाम से बाखबर करने के लिए केले के छिलके से परहेज करो। देखो हम शरीफ आदमी हैं, किसी दिन हमारे घर पुलिस की गाड़ी भी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आपकी दुआ से ठीक हूँ, आपकी सेहत तो अच्छी है ना? गोली मारो मेरी सेहत को, कहीं सींग नहीं समाये तो फिर यहाँ चले आए। अरे तुम लाख मिन्नत समाजत करो, रो पीटो, मगर मैं तस से मस नहीं होऊंगा। ये अचानक आपका पारा क्यों चढ़ गया? आप सातवें काले से क्यों बोल रहे हैं? आ गए अपनी औकात पर गवैये। गवैये? हाँ जी, वो मेरे भाई हैं। भाई? जी जुड़वा, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। उसे मोहल्ले से निकाल दिया है। वो किराया नहीं देते थे? किराया देकर सोने नहीं देता था। ओ अच्छा, आप बता सकते हैं वो गए कहाँ? खुद जाता तो हम पता भी पूछते, हमने तो उसे खुद निकाला है। बहुत बहुत बहुत, मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं, आप इस घर से नहीं निकाले जा सकते। क्या हमारे चारों तरफ संगीत के कदरदान बसते हैं? उस तरफ एक दानिश्वर है, अकेले हैं, कॉफी हाउस में बैठकर कौम को जगाने की बातें करते हैं और खुद नींद की गोली खाकर सो जाते हैं। इस तरफ एक हकीम साहब है जो कि कान से बहरे हैं। उस खिड़की के सामने एक बहन जी रहती हैं, उनके शौहर दुबई गए हुए हैं, उनका एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है, कभी कभी उनकी एक सहेली उनसे मिलने आ जाती है। दरवाजा खुलने में इतनी लेट? मैं लेट आई, मैं लेटी थी, वो मेरे उपास बैठा था, मैं उसके प्यार में उठ ना सकी, वो मेरा अपना बेटा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, तुम्हारी अम्मी शायरा बन गई हैं। अरे ये शेर तो किसी के हैं, तू आती जाती रही तो मेरे अपने भी होने लगेंगे। सलमा, घर में कलम पे पाबंदी, जुबान पे पहरे हैं, जहन का गुबार कागज पे लाने बैठूं तो माँ चीखने चिल्लाने लगती है। अरे यहाँ तू जी खोल के शायरी कर, तेरी किताब छपे तो दिबाचे में मेरा भी जिक्र कर देना, मैं भी अमर हो जाऊंगी, बेटे को स्कूल छोड़ के बैंक जाऊंगी, फिर शॉपिंग करूंगी, और हाँ तेरे लिए दुआ करूंगी, तेरे गीत अकेले ना रहे, इन्हें संगीत का साथ मिल जाए। और बेटे अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल सामने
आके छुप जाने बाने मेरे सामने, आके छुप जाने बाने मुझे एक बार और जलवा दिखा दे मेरे सामने, आके छुप जाने वाले तुझे देख कर जाग उठी दिल की धड़कन, तुझे देख कर जाग उठी दिल की धड़कन, जरा अपने रूप से जरा अपने रूप से ये पर्दा हटा दे मेरे सामने, आके छुप जाने वाले। इन शादी उठो अब पूछ करो इस शहर में जी का लगाना क्या, अरे पत्थर पड़ रहे हैं। फरमाइए। खिड़की बंद क्यों की? हम तो खोलते हैं, लोग बंद कर देते हैं। हमने शहरी जिंदगी का ये निचोड़ निकाला है कि लोग शोर के आदि और सुर के दुश्मन हैं। संगीत के शौक में अब्बा के घर से निकाला, इसी शहर में दो तीन जगह से निकाले जा चुके हैं। किस्मत यहाँ लाई तो सामने की खिड़की में आप आ गई। हम पे हंसते क्यों हैं आप? मेरा और आपका सितारा एक है। यानी कि आप भी घर से निकाली हुई हैं? नहीं, मैं निकल के आई हूँ। आप सुरैया भोपाली बनना चाहती हैं? ऐसा सोचू तो घर वाले मुझे भी घर से ना निकालते, बस शेर कह लेती हूँ। आपकी तारीफ? किरण, मुझे घर और घर से बाहर लोग तस्लीम कहते हैं, करते नहीं। संगीत मेरा शौक है, कुछ शायरी को भी मुंह मार लेता हूँ। अगर हम गुजारा करना चाहें तो खूब गुजरे के जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। चुप रहे तो नजर बोलती है, जबा चुप रहे तो नजर बोलती है, नजर की खामोशी भी है एक फसाना, ये दांतों में उंगली ये रुक रुक के चलना, मोहब्बत के इकरार का है बहाना। हकीकत ये क्या है, हकीकत ये क्या है, मुझे तो बता दे मेरे सामने, आके छुप जाने वाले। चल जो खुद उड़ के हाथ आ गया है, ये आंचल जो खुद उड़ के हाथ आ गया है, कहो तो मैं आँखों से इसको लगा लूं, मैं शायर हूँ तू एक तरह पागल है,
मामा, इसका अंजाम जानती हो? आगाज तो अच्छा है, अंजाम भी ठीक ही होना चाहिए। तेरे यही लक्षण रहे ना तो इस घर में पब्लिशर आएंगे, रिसालों के एडिटर आएंगे, तुझे मशायरे में ले जाने वाले आएंगे, मगर तेरा रिश्ता नहीं आएगा। रिश्ते और मौत का क्या भरोसा मामा, जाने कहाँ से कब आ जाए। कतीर शफाई की रूहानी औलाद हर बात शायरी में करती है। तुम्हें आटे दाल की खबर ना बेटियों का होश, जब देखो प्रोफेसरी में डूबे रहते हो। तुम भी चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या ये तुमने मुझे कहा? मेरी क्या मजाल, ये तो यहाँ पर्चे में लिखा है। अरे कागज किताब से बाहर निकलकर बाप बनकर सोचो, खुशबू इंश्योरेंस करती है। मुझे मालूम। और किरण के सर पर शायरी का भूत सवार है। मुझे पता है। इन दोनों को सामने बिठा कर साफ साफ कह दो, इंश्योरेंस शायरी लड़कियों का काम नहीं, इसे छोड़ दे वरना मैं आह कर दूंगी। वो बेटियां हैं बेगम, और आज तक किसी पागल ने भी बेटियों को आख नहीं किया हो। अगर ऐसा अहमकाना ख्याल जहन में आ जाता है तो कोई कदम उठाने से पहले मुझ बेवकूफ से मशवरा कर लीजिएगा। मैं तुमसे बेहतर सोचती हूँ, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, समझे। बहुत फचताओगी, बहुत फचताओगी, बहुत फचताओगी। भाई साहब, भाई साहब जरा सुनिएगा। किसी महकमे में हमारी कोई नहीं सुनता, हम ही सबकी सुनने के लिए पैदा हुए हैं। सुनाइए क्या सुनाना है। आप इसी शहर में रहते हैं? निकलवाना है क्या? क्या आप दाम निकलवा के आए हैं? बड़ी तकलीफ में हैं। मैं यहाँ परदेसी हूँ, किसी का पता चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये साहब कहाँ रहते हैं? सिंगर, शायर, म्यूजिक डायरेक्टर। पागल खाने से कब आए हो मेरी जान। Oh, my God.
और कहाँ कहाँ ढूंढो, क्या मुश्किल है भाई जान। आप मिल गए अल्लाह की शान, क्या है आपका नाम? जान कुर्बान। कहाँ है कयाम? आप ही कहूँ मेहमान। तो ले आए इंश्योरेंस पर ईमान। मैं हाजिर की बसत दिलो जान। तो फिर आइए जल्दी। मैं दिल की बहुत मानता हूँ, शहर से दूर कहीं चल के दिल की बात सुनते हैं। अगर दिल बोला पॉलिसी ले लो तो मैं कहूँगा पॉलिसी दे दो। तो फिर चले। आवाज आई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, तुम सुनो। क्या कहता है? कहता है इंश्योरेंस कर लो। तो ठीक है। दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो पॉलिसी लेगा कौन? तुम्हारा बच्चा। अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। तुम्हारी बीवी? अब्बा ने अभी शादी के काबिल नहीं समझा। तो फिर अपने अब्बा के नाम कर दो। बेटे की लाश पर से नोट उठाते हुए अब्बा को अच्छा लगेगा क्या? फिर किसके नाम करूं? क्या मतलब? मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। मैं क्यों कहूँ जबान से खुद जान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। शक्ल से पहचान जाइए। कुछ न मानिए कुछ मान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। मैंने तो दिल भी आपके कदमों में रख दिया। इतनी भी
ना कीजिए अब मान जाइए, मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। पूछा नहीं। यही ना कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे भाई बहन कितने हैं? और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? घर में गधे घोड़े कितने हैं? रेल में या बस में सफर करते हुए लोग साथ वाले से पूछते हैं, तुम खिलजी हो, मुगल हो, पठान हो या कश्मीरी, क्या हो? लेकिन मेरे लिए ये इतना अहम नहीं। तुम फन से प्यार करते हो और मुझे अच्छे लगते हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोई आ रहा है। देखो अब भूल ना जाना। मैं कभी भूल सकती हूँ? कोई है? छिलके की माफी चाहता हूँ भाई साहब, आपकी खिदमत में केला हाजिर है। अच्छा अच्छा, एक अपनी उनके लिए भी चाहिए, दो लीजिए साहब, कब से दोस्ती है। तुम पूछने वाले कौन हो? हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपनी हदूद में रहो। कॉल से बाहर निकलो यार, लगता है तमद्दुन तुम्हें छू के नहीं गया। तुम सकाफत के बालों में कंघी कर रहे हो। अरे अजीब बहियात आदमी है, अरे अजीब चट्टू बट्टे हैं आप। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं, तोड़ के दिखाओ। ओहो छोड़ो भी, चलते हैं यहाँ से। तुम बैठो, हम जा रहे हैं, और शराफत की हदूद में रहना प्यारे। बस भी करो, छोड़ो छोड़ो, आओ चले यहाँ से, आओ आओ। ना अहल, चलो गुलशन इकबाल चलते हैं। जी नहीं, मैं तो घर जाऊंगी। क्यों? वो इसलिए देर हो गई, तुम माँ के थप्पड़ पड़ेंगे। मालकन, तमाचा किस बात पर? तूने हमारी प्लेट तोड़ी है। आज की तारीख में इसे टूटना था। ये तेरे हाथ से टूटी है, हमारा नुकसान हुआ है। इसके लिए आप हमारी बच्चा नौकर यूनियन में केस दे सकती थी, प्लेट की कीमत मेरी तनख्वाह में से काट सकती थी। आपने मुझे मारा क्यों? ये मालिकों का हक होता है। आप मुझे माँ बनकर तो मार सकती हैं, मगर मालकन बनकर नहीं। बताइए, आपने मुझे माँ बनकर मारा है? 60 रुपए का मुलाजिम, मैं उसकी माँ बनूंगी? हरगिज़ नहीं। फिर मुझे मजबूरन यूनियन में जाना पड़ेगा। अरे जा जा। मैं जा रहा हूँ। अरे जा भी क्यों? नहीं मुन्ने, ये तुम्हारी माँ नहीं बनती ना बने, हम तुम्हारे बाप जरूर बनेंगे। सन 86 के बाशऊर नौकर बच्चे घर में तुम्हारी यूनियन के वारंट आए, हम नौकर बच्चों की अदालत में जाएं, ये अच्छा लगेगा? ये ले 1 रुपया, अपनी हद तक इज्जत का हर्जाना, और मीठा पान खाकर गुस्सा किसी कमजोर पे थूक दे,
इधर नहीं थूकना, बाहर थूकना। बेगम, औलाद बदतमीज हो तो बाप को पड़ोसियों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती, बीवी बददिमाग हो तो शौहर को नौकरों के सामने माजरतें करनी पड़ती। अरे कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा तो किया करो। मैं तुमसे बेहतर सोचती, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, समझे? बहुत फचताओगे, बहुत फचताओगे, बहुत फचताओगे, बहुत फचताओगे। एक कप चाय। जी अच्छा। एक कप नहीं, दो मंगवाइएगा, एक मैं भी पीऊंगा। जाओ यार, दो कप ले आओ। जी, आपकी तारीफ। भूल गए आप? मैं आपके घर पे हाजिर हुआ था, आपने मेरी गजल की धुन बनाने का वादा किया था। मैं कोफ्ता बेसरो सामानी हूँ। अरे कोफ्ता साहब, आप तो मेरे जहन से निकल गए थे। जी, आप हम जैसे छोटे आदमियों को अपने जहन में रखने लगे तो आपको बड़ा आदमी कौन कहे। ऐन तुम्हारे पर और ढूंढ मची है, सिगार मुंह में और तलाश किया जा रहा है, अपना ही टेलीफोन नंबर दूसरों से पूछते फिर रहे हैं। सच्चे फनकार की यही पहचान है। आजकल अपनी भी कुछ यही हालत है, जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? कोई लहराती बलखाती धुन? अरे नहीं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। जो हंसने की बात पर हंसता नहीं और रोने के मौके पर रोता नहीं, मैं उसे हैवान ना तुकन कहता हूँ, इंसान नहीं। आप बताइए, मैं जरूर हंसूंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं रहता कहाँ हूँ। ये इस साल का सबसे बड़ा लतीफा है कि आप नहीं जानते कि आप चार दिल कुशा फैसल टाउन लाहौर में रहते हैं। चार दिल कुशा फैसल टाउन? मुझे बेरे ही पता बताने का बहुत बहुत शुक्रिया कोफ्ता साहब। और मेरी गजल की धुन फुर्सत मिली तो जरूर सुनूंगा। और दो कप चाय आप पी लीजिएगा। अनाज शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह कसम, मौला कसम, अल्लाह जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ठीक है ना? तुम जिन बर्तनों में खाना खाते थे भैया, उन्हें धोती है और रोती है। अब्बा कैसे हैं? अपने अंदर आपका खला महसूस करते हैं, बाहर से तो मूछों को इस तरह बल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी मेरा जिक्र करते हैं? आधी बार मैंने कहा था कि भाई से अगर सरेराम मुलाकात हो जाए तो गले लगा लूं। अम्मा क्या बोले? बोले नहीं, मुंह फेर लेना। फिर तू आया कैसे छोटे? अब्बा चाहते थे मैं खेती बाड़ी में नाम पैदा करूं, हल चलाया तो छाले पड़ गए, दूध धोने गया तो गाय ने लात मार के समझाया कि जा बेटा, ये तेरा काम नहीं। अब्बा के सामने आन का मसला खड़ा करके उनसे कुछ भी कराया जा। मैंने ट्रैक्टर खरीदने का चक्कर चलाया और यहाँ चला आया। मगर तू यहाँ तक पहुंचा कैसे? बस खुदा खुदा करके पहुंच ही गया। रास्ते में कौन कौन मिला, उसने क्या क्या कहा, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन एक सूरत ऐसी मिली जो दिल पे नक्श होके रह गई। लड़की कैसी है? वो टुकड़ों में बयान करने की चीज नहीं भैया, कभी पूरी की पूरी दिखा दूंगा। किरण, किरण, पता चल गया है बाबा। किसका?
तेरे दिल की हरी टहनी पे गुलाब खिलने का। लेकिन मैंने तो कहा नहीं, तुझे किसने बताया? तेरी आंखों ने, तेरे चेहरे ने, तेरी आवाज में घुले रत जगे ने। बिल्कुल अचानक किसी हादसे की तरह वो आया, उसने देखा और वो छा गया। तुझे क्या खबर पगली, मेरे दिल की धड़कनों में भी एक नाम बस गया है। आदाब तस्लीम, रात नींद ठीक से आई? आप आंखों से गए ही नहीं। अपना भी यही हाल रहा, रात भर सीधा गमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह आते रहे जाते रहे। कल से खिड़की की मुलाकातें बंद हो जाएंगी। कहीं दूर जा रही है? मेरी सहेली जा रही है अपने शौहर के पास। फिर कहाँ मिलेंगे? ताजमहल हमारे पास होता तो चांदनी रात में वहां मिलते। मेरे महबूब, मोहब्बत की बादशाही में महल नहीं, खुला नीला आसमान होता है, मेहरबान जमीन पर घास का कालीन होता है। एक हसीन रात।
छोटे इस तरह क्या देख रहे हैं? मिलाए भैया। किससे? अब्बा से मुलाकात हुई होती तो मूड दूसरा होता, पुलिस थाने की ज्यारत की होती तो तेवर और होते। उनसे मिलके आए हैं। नहीं तो देखो भैया, अगरचे हम जुड़वा हैं, मगर आप बड़े और मैं छोटा हूँ, और देखने में आया है कि बड़ा थोड़ा बुजदिल और छोटा बेबाक होता है। हम खुले हैं तो आप भी खुलो ना। आपके दिल की धड़कन और हमारी होने वाली भाभी कौन है, कैसी है, कभी देख लेना। ये क्या लिख रहा है छोटे? अब्बा को खत। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आए काफी दिन हो गए। आप सोचते तो होंगे बेटा हाथ से निकल गया। अब्बा जान, मेरी बुनियादों में आपकी तरबियत की खाद है। मेरे अखलाक की फसल खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीते रहो। मैं एक ट्रैक्टर लेने आया था। मैं एक ट्रैक्टर नहीं ला रहा, पूरी एजेंसी ला रहा हूँ। इसके लिए कुछ दिन और लगेंगे। अरे सलीम की पुपी, सुना तुमने? सलीम पूरी एजेंसी ला रहा है। इसमें कोई चक्कर तो नहीं? क्या कहती है, मेरा बेटा मुझे चक्कर देगा? इमाम बख्श के बेटे हशमत को चक्कर देना नामुमकिन है। उसकी बुनियादों में मेरी तरबियत की खाद है। वो मेरा नाम रोशन करेगा। तस्लीम है, कलंक का टीका, पेशानी का दाग। जानती है इस वक्त क्या कर रहा होगा? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। मुकीम कौन हुआ है, मकाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, क्या गाया है लिली। ये लड़का पहले गा चुका है? आज इसकी पहली रिकॉर्डिंग है इस पब्लिसिटी फिल्म के लिए। ओ, पहली रिकॉर्डिंग? ये धुन किसने बनाई? वे खुद बनाता है। खुद बनाता है? हाँ। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, क्या ख्याल है? आंख बंद करके ले लीजिए। जी नमी ते सलखनी ते नकोर आवाज, इनू काबू कर लो, जाना देना। क्या सोच समझ के मुंडे नू रखी, मेरा ताजा ताजा प्यूम कोए। सेठ जी, इस फिल्म नाल तड़े मरे हुए प्यो दी कबर नू सवाब पहुंचेगा। घबराओ नहीं, पैसे कटो, काबू करिए। ओफो, मैं अभी मिलवाती हूँ। हाँ। कैसा रहा मैडम? पहले गाने में मैदान मार लिया। वंडरफुल वंडरफुल, वाह वाह, क्या खूबसूरत गाया है बेटा, वाह। इनसे मिलिए, मुल्क के सबसे बड़े हदायतकार के आसिफ साहब। तस्लीम। और इनसे मिलिए, मुल्क के सबसे बड़े एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म साज लाल साहब।
माना गया है कि मुस्लिम टाउन के अंदर एक नया मकान जी, आवाज से काबू करो, पैसे कड्डो, मुंडे नु काबू करिए, बिल्कुल रखो, मार कड्डो। ये लो बेटे मथाई, और ये रहा मेरा नेम कार्ड। दफ्तर आना, नई फिल्म शुरू कर रहा हूं, अच्छा म्यूजिक दे गए तो खुर्शीद तनवर बना दूंगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नो फॉर्मेलिटी, ओके लीली, ओके बाय बाय। चलो सर जी, पैकर सीता लल्ला और ये बात चलना, चलो ओके बाय। कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत अच्छा, किस्मत का दरवाजा खुल गया। थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई पूछने तो नहीं आया था? मैंने देखा नहीं। रुको रुको रुको, बस बस बस, इधर ही। वालेकुम अस्सलाम। खुलो बाबू, इंश्योरेंस करानी है या गजल चाहिए? वो मैं, यहाँ खतरा है, सामने ही गोगो है, वहां चलकर बात करते हैं। घबराओ नहीं, तो मुन्नू के साथ हो, आओ। बैठो। ब्रांड कौन सा पीते हो? सिगरेट मैं पीता नहीं। टीवी की पब्लिसिटी देखकर छोड़ा? छोड़ने के लिए शुरू करना पड़ता है, मैंने शुरू किया ही नहीं। बहुत समझदार हो, दौलत को आग नहीं लगाते। चाय मंगाऊं? मैं मंगवाता। मंगा लें, एक ही बात है। दो कप चाय लाना। तुम घर में हो क्या? रीढ़ की हड्डी, कहने को तो नौकर हूँ, मगर एक मिनट के लिए इधर उधर हो जाऊं तो पहिया जाम, घर मफरूज हो जाता है। प्रोफेसर साहब किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऐनक में ढूंढ के देता हूँ। बेगम साहिबा की सांस रुक जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोलियां मेरे पास ही रहती हैं। चाय लीजिए ना। हाँ, हाँ, मैं किरण से मिलने आए हैं। मुझे पता है, केक खाएंगे? मैं मंगाता हूँ। हाँ हाँ, एक ही बात है, आप मंगा लें। एक केक लाना यार। हाँ, इस वक्त किरण घर पर ही है, और आप उनसे मिल भी सकते हैं। थैंक यू यार। लेकिन अगले 15 मिनट में आप पुलिस के कब्जे में होंगे, क्योंकि बेगम साहिबा भी घर पर ही है। अच्छा, तो मैं एक 10 का फालतू नोट होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे मैं कल वापस कर देता। नहीं नहीं, ले लो, और वापसी जरूरी नहीं। शुक्रिया, आपकी खुशी के लिए ये भी मंजूर है। बेगम साहिबा मार्केट जाने वाली हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में कोई तीसरा आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तू कैसे आदमी हो यार? हाय मुन्नू, गाड़ी रुको। जी जी बेगम साहिबा, ये क्या हो रहा था? जी मैं जरा बिल जमा कराने जा रहा था, रास्ते में साहब मिल गए। दरअसल मेरे अब्बा इनके अब्बा के घर मुलाजिम थे, ये जिद करने लगे कि चाय पी के जाओ, लेकिन मैंने कहा काम फर्स्ट चाय बाद में, ठीक है ना? अच्छा साहब, आप चाय पीकर जा सकते हैं। चलो
जी। घर आ गए? क्यों, घर आना मना है क्या? नहीं नहीं आओ। शुक्रिया। लेकिन तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। मम्मी को जाते देख के आया हूँ। लेकिन घर पे डैडी भी तो। मुन्नू से सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ। वादा करके तुम आई क्यों नहीं? घर पे मम्मी थी, आ नहीं सकी। फोन पे ताला था, कर नहीं सकी। किरण, एक खुशखबरी है। क्या? रिकॉर्डिंग में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे, उन्होंने मुझे एक फिल्म दी है म्यूजिक के लिए। अच्छा, मुबारक हो। दो टिकटें भी लाया हूँ, इसी खुशी में फिल्म भी देखेंगे, एक तुम्हारा एक मेरा। हाँ ठीक है। ये घबराहट, खौफ, परेशानी तुम माँ से कह क्यों नहीं देती? क्या? यही कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कहाँ है? आगे। मैं जाता हूँ। नहीं, उन्होंने देख लिया तो मेरी जान निकाल देंगे। आप वापस आ गए? मैं वापस लाने के लिए गई थी। मेरा ये मतलब नहीं। क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं। तुम दोनों जवान क्या हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है मेरा, कुछ याद नहीं रहता। खुद मार्केट पहुंच गई और पर्स यहाँ भूल गई। कहाँ रखा था? मुझे क्या पता, ढूंढो इसे। मिल गया। ये तकलीफ है, बहुत अच्छा सिंगर है, म्यूजिक भी खुद ही देता है और आज तो एक फिल्म भी साइन हुई है। गाना गाते हो जी? म्यूजिक देते हो जी? निराशे हो जी? जी नहीं, जी नहीं। बकवास बंद करो, ये शरीफों का घर है, कोई गाने बजाने वालों का नहीं। आइंदा मेरी बेटी से मिले या इस घर के आस पास नजर आए तो टांगे तोड़कर तेरे बाप को पार्सल कर दूंगी। हो जाओ यहाँ से। चल, चल, थोड़ी सी बाहर क्या चलिए। आवाज आ गई हूँ। मामा छोड़े। मेरी बेटियों की मुलाकातें करवाता है, एक मूजी को तो जलील करके निकाल दिया। बता इसमें का किससे चक्कर है? मैं नहीं जानता। चिंता, मैं तुझे वो पुलिस वाली मार मारूंगी कि तू मेरे सामने सब कुछ उगल देगा। बता खुशबू किससे कहाँ मिलने जाती है? बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। किससे मिलने जाती है ये नहीं जानता, लेकिन कहाँ जाती है ये जानता हूँ। बता कहाँ जाती है खुशबू? कि वो बोरा बोरा क्लब। बोरा बोरा क्लब? आज मैं उसकी खाल उधेड़ दूँ। बेगम। क्या है? कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा जरूर कर लिया करो। मैं तुमसे बेहतर सोचती हूँ, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, समझे? बहुत फचताओ, बहुत फचताओगे। हजरात, मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं। मैंने बेगम साहिबा को कहाँ भेजा है और उनके साथ क्या होने वाला है ये आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। वापस आ गईं तो मैं उन्हें बहुत याद आऊंगा। मंशियात के खिलाफ मुल्क की मुहिम चल रही है, स्मगलर पकड़े जा रहे हैं, रातों को चलने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। कानून के इस खौफ के बावजूद बोरा बोरा क्लब में छुप छुप के हेरोइन पी जाती है, धुआं उड़ाया जाता है। छापा मारो और जो भी नजर आए उसे पकड़ लो। ये मत सोचो कौन किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका शौहर और किसकी बीवी है। Thank you.
मेरी बेटी खुशबू को कहीं देखा है? पता खुशबू कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी खार उतार दूंगी। नहीं 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 आज मेरे हाथ में कमर जा रही हो। आ रहे कैसे हो? जा बचाओ। हाय हाय किधर जाओ? रुक जाओ। इन सब को बंद कर दो। चलो चलो इधर, मार किधर चले हैं? अरे क्या कर रही है? चलो अंदर। नाम? तस्नीम। तस्नीम सैफ। चलो नाम? मुख्तार। मुख्तार नैप। शाह। नाम? अंजम। अंजम नैप। चलो चलो आ गया। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। नाम? रुकिए। एक्सक्यूज मी। आप मेरे साथ आए? इसका इंटरव्यू अंदर जाके होगा। इडियट। अगर मैं पहचानने में गलती नहीं कर रहा तो? आपने ठीक पहचाना, मैं प्रोफेसर अबुल हसन की बेगम हूँ। क्या मुआशरा इतना गिर चुका है कि जिनके किरदार की मिसालें दी जाती हैं उनकी बीवियां हेरोइन पीती हुई पकड़ी जाएं? नहीं नहीं नहीं, मैं हेरोइन नहीं पीती। हेरोइन नहीं पीती तो बोरा बोरा क्लब में क्या लेक्चर देने गई थी? पानी पानी पानी। अब बोले थाने में आने का मेरा वाला इत्तेफाक है। मैं आपके सामने नहीं बोल सकती, मैं अपने घर का नंबर देती हूँ, उन्हें बुलवा दीजिए। तस्वीर खींच ली? नहीं, मैंने रोक दी थी। कानून ने तालीम की इज्जत रख ली, वरना कल के अखबार में मेरी बीवी की तस्वीर के नीचे कातिब की गलती से यह भी लिखा जा सकता था, प्रोफेसर अबुल हसन की बीवी हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ी गई। आप यकीन करें, मैं इन सब कामों में नहीं हूँ। तो फिर आप क्लब में क्या कव्वाली गाने गई थी? खुदा गारत करे उस मुन्ने को, उसने मुझे गुमराह किया। बोला खुशबू वहाँ जाती है, आपकी इज्जत की कसम, मैं उसे पकड़ने गई थी। चौबे में खुद पकड़ी गई हूँ। मुजरिम और मासूम का चेहरा पहचानते हो तो यकीन कर लो इंस्पेक्टर, ये आंसू उसी घरेलू औरत के हैं जो बुरी नहीं होती। गलती बस ये करती है कि शौहर से मशवरा नहीं करती, अपनी सोच को बेहतर समझती है।
कुछ न करने के बावजूद इसके साथ जो कुछ हो चुका है, क्या ये काफी नहीं? इनकी जमानत के लिए तो आपकी इज्जत ही काफी है प्रोफेसर साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। आप कहोगी मैं तुमसे बेहतर सोचती हूँ? नहीं। मुझसे मशवरा किया करोगी? हाँ, हर कदम पर, हर बात पर, लेकिन इसका जिक्र बेटियों से मत करना। तुम मेरा लिबास हो और मैं तुम्हारा लिबास। मैं तो तुम्हें ढांप लूंगा, लेकिन तुमने आज मुझे नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। आ, ओ, भैया आप शेर है, खिड़की के पास होगा। छोटे तेरा कलम कहाँ है? अलमारी में, जैकेट की जेब में होगा। कलम मिला भैया? तेरी तकदीर मिल गई। खुशबू हाथ आ गई। अच्छा तो ये खुशबू है? अरे यही तो वो है जिसने मेरी जिंदगी का गोशा गोशा महका रखा है। बस दुआ कीजिए ये मेरे बच्चों की माँ बन जाए। दुआ ही नहीं करूंगा, किस्मत ने साथ दिया तो इसे तेरी दुल्हन बनाकर खिलाऊंगा। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। अपने होने वाले बच्चों की चची तो देख ली, मेरे होने वाले बच्चों की ताई के दीदार कब कराएंगे? ठंडी सांस लेकर कमरे का दर्जा हरारत एकदम गिरा दिया। क्या उसकी शादी हो गई? नहीं, मिलने पर पहरे हैं। पहरेदार कौन है? उसकी माँ। नहीं नहीं छोड़ ना, मैं नहीं आ रही। नहीं जाने देना। मामा मामा, अरे बोल ना। मामा, अरे बोल ना, किसने भेजा तुझे? मैं खुद आई हूँ। कुछ मांगने के लिए? अपने लिए नहीं, किरण के लिए। जी मामा। उसे शायरी के लिए कागज चाहिए। नहीं मामा, कोरे कागज पर एक नाम लिखने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। उस गवैये का नाम? वो अच्छा लड़का है मामा। तो उसे गले का हार बना लूं मैं? किरण का दिल रख लीजिए। किरण को मैंने जन्म दिया है, तू कब से उसकी माँ बन गई? उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा काम है। चल भाग यहाँ से। अजी सुनते हो? एक मशवरा करने आई हूँ। पहली बार आई हो तो मुफ्त मिलेगा। जल्दी से दो लड़के पैदा कर दो। जुड़वा? जुड़वा हूँ, तभी कोई बुराई नहीं। कितनी जल्दी? ये ही कोई हफ्ता दस दिन में। बेगम, तुमने हमारे बारे में कोई गलत अफवाह सुनी। न ये हमारे बस की बात है और न ही साइंस ने इतनी तरक्की की। ओहो, लड़कों से मेरी मुराद है दो रिश्ते। दो रिश्ते? दो किन के लिए? अपनी बच्चियों के लिए। तो क्या घर में पत्थर आने लगे? खुशबू आज किरण की सिफारिश करने आई थी,
लड़का फिल्म में काम करता है और फिल्म वालों को दाद दे सकते हैं, मोहल्ले में मकान नहीं दे सकते, बेटी का रिश्ता नहीं ले सकते, ये लोगों की सोच है। माँ बाप ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते, वो बेटी के सर पे छत, चूल्हे में आग और चंगेज में रोटी देखना चाहते हैं। और जितनी गैर-यकीनी जिंदगी फिल्म वाले की होती है किसी की नहीं होती। हुकूमत तवज्जो नहीं देती, बैंक फेम के नाम पे कर्ज नहीं देता, आदमी रात आसमान पे होता है तो सुबह फुटपाथ पे। किरण, हमारे पांव तले बिछी हुई जमीन हमवार नहीं, इसमें ऊंच नीच है। दुनिया का सफर हम एक लंबे सीधे रास्ते पे नहीं कर सकते, इस सफर में कई मोड़ आते हैं। पेट खाली है मगर एक अच्छी धुन बना ली, शेव बड़ी हुई है मगर एक खूबसूरत शेर कह लिया, तो इसमें भी एक नशा है। हाँ, तुम इस नशे में रोटी की अहमियत को नहीं भूल सकते। एक दफा दमिश्क में कहत पड़ा था तो आशिक इश्क करना भूल गए थे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पास घर से निकलकर अकेली नहीं आना चाहती, साथ माँ बाप के आंसू और उनकी दुआएं लाना चाहती हूँ, इसलिए उनका इत्मीनान जरूरी है। उनका इत्मीनान तो पैसे से होता है, कभी कभी नाम से भी होता है। अगर तुम दौलत में आगा खान, दाऊद या सहगल नहीं बन सकते तो मेरी दुआ है कि तुम फन में फैज अहमद फैज, साद कहन या खुशी दनवर बन जाओ। हम तो इस कूचे में घबरा के चले आए हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! क्या धुन आपको पसंद नहीं आई? ऐसे गाने को खिड़की से बाहर फेंक दो और ये गाना बनाओ। आका पाका धूम धड़ाका, ये गाना तो नहीं है। अरे बरखुरदार, आजकल पब्लिक यही मांगती है कि अमीर भाई कर्नाटकी का नहीं बेंजामिन सिस्टर्स का जमाना है, बेंजामिन सिस्टर्स का जमाना है, बेंजामिन सिस्टर्स का जमाना। गाने में दर्द एहसास गहराई ना हो, कहानी में थीम ना हो तो बेकार है। हम पब्लिक को टिकट बेचकर उन्हें सस्ती तफरी देते हैं, सहनी खुराक नहीं देते। अरे ये भूत मुझ पर भी बरसों सवार रहा, मैं भी कहा करता था कि कहानी में सब्जेक्ट होना चाहिए, थीम होनी चाहिए। मैंने ऐसी दो चार फिल्में बनाई मगर सेंसर वालों ने तीन बार रिकॉल किया, तीन बार काटा। मैंने उनको फिल्म दी थी, उन्होंने मेरे हाथ में ट्रेलर थमा दिया। उस दिन से मैंने सारे आर्ट के रिसाले बाहर से मंगवाने बंद कर दिए, अपनी किताबें लाइब्रेरी को तोहफे में दे दी, ऐसे तमाम स्क्रिप्ट फाड़ कर फेंक दिए जिनमें कुछ था। अब मैं लव स्टोरी बनाता हूं, कॉमेडी बनाता हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे पाइप में तंबाकू रहे, मेरे किचन में रोटी रहे, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं, उनके हाथ में स्कूल की फीस रहे। आर्ट पैदा करके मैं अपने घर में फाके, पतलून पे पैवंद और जूते के नीचे सुराख नहीं चाहता। मियां, मैं अपने प्रोड्यूसर को चार पैसे कमा के देना चाहता हूँ। मेरा प्रोड्यूसर जिंदा है शहजादे, तो मैं जिंदा हूँ। आप हार गए लेकिन मैं नहीं हारूंगा, पैसे के लिए मैं अपने फन से गद्दारी नहीं करूंगा। अमा सर फिरे हो, दीवाने हो, अपने दुश्मन हो। मैं अपना दुश्मन हूँ तो मुझे कुछ दोस्त भी मिल जाएंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री है साहिबजादे, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, सब हासिद है, सब जलते हैं, जलते हैं। अबे क्या क्या जलते हैं? हीड़े वर्गा आर्टिस्ट वापस भेज दिता माड़ा दवा तो वापस दिलाओ। अमा पैसे भी आ जाएंगे, घबराओ नहीं। भैया तू यहाँ, हम इधर से गुजर रहे थे, अचानक ख्याल आया आपको अपनी उससे मिला दूं। चल सारे शहर से मिला, मेरे पास वक्त ही वक्त है, काम मैंने
छोड़ दिया है। हैं? काम के लिए आजकल लोग सिफारिश कराते हैं, बड़ी बड़ी रिश्वतें देते हैं, आपने रिश्वत सिफारिश के बगैर मिला हुआ काम छोड़ दिया। क्या बात है, समथिंग इज गड़बड़। चली गई, बैठ कर बात करते हैं। अरे अब आ भी जाइए, आइए आइए। हाँ बोलिए, क्या मसला है, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है? दस वो ये गाना बनाने को कह रहे हैं, बता ये गाना है? वाहियात, बकवास, ट्रैश। और तू ही बता, इसकी धुन बनाने को दिल करता है? इस दुनिया की मंडी में दिल की कौन सुनता है भैया? बी प्रैक्टिकल। ये पागल पागल दुनिया जिस तरफ भाग रही है, अगर आप उसके मुखालिफ सिम्त भागेंगे तो हजूम के पाँव तले रोंदे जाएंगे। जीने के लिए अकलमंदी यही है कि चलो उसी तरफ को, हवा हो जिधर की। है? ये क्या कर रहा है? आप भी उतारिए, आप भी उतारिए। वो क्यों? आपके ढंग में मैं अपना रंग डाल के बेचूंगा। क्या देख रहे हैं? ये मैं हूं, मैंने अपने आप को बदल लिया है। शेर घास खाना चाहे उसे घास खिलाऊंगा, मछली दूध पीना मांगे फीडर मुंह को लगाऊंगा, आप जैसा गाना बोले वैसा गा के दिखाऊंगा। सरको आगे किसको, थोड़ा लटको थोड़ा मटको, सरको पटको खुला झटको, रोना पाओ गाओ डिस्को, करो धमाका दे दो झाका, आपका पक्का दे दो झटका। तोड़ो सुर को छोड़ो, ताने जोड़ो गर्दन मोड़ो, आधा उठो आधा बैठो, थोड़ा कूदो थोड़ा नचो, तेरी तड़ाका दे दो झाका, आका पाका ओ को हाका दे दो जगा।
زلفے چھوڑو چشمہ پہنو چنگم کھاؤ دیہ دنگاؤ دائیں گھومو بائیں گھومو چکر مارو چکر کھاؤ چکی کیا دے دو جھاگا آکا پاکا تم دھڑکا ہو تو ہاکا دے دو جھاگا واہ کمال کر دیا میں کیا جواب نہیں تھا خوش کر دیتا ہی کیا خوب گایا ہے اس گانے کو تم جس طرح ٹھکرا کر گئے تھے میرا خیال تھا کہ اب تمہارا نام صرف تمہارے شناختی کارڈ پر رہ جائے لیکن واپس آ کے تم نے یہ ثابت کیا کہ اب تمہارا نام ہر بکلیٹ پہ ہر کیسٹ میں اور فلم کے ہر بینر پر ہوگا اسی موڈ کو برقرار رکھو آج میں تمہارے تین گانے ریکارڈ کروں گا اور فلم انڈسٹری میں ایک نیا انقلاب لاؤں گا نیا انقلاب سیٹھ جی لکھ لو اب یہ تمہاری فلم سپر ہٹ ہوگی ہو سکتا ہے سپر ہٹ ہو لیکن میں ایسا گانا نہیں گا سکتا پھر گرے باد چاک کر کے جنگل میں چلے جائیے دیکھیے بڑے بھائی چلتی کا نام گاڑی ہے فلمی دنیا میں بڑے غلام علی خان نہیں چلے یہاں چلتا ہوا میوزک چلا ہے اگر آپ ان کی ڈگر پہ نہیں چلیں گے تو یہ آپ کو چلتا کر دیں گے اور کام کسی اور سے نکال لیں گے لائیے میرے کپڑے آپ اندر چلیے میں باہر چلتا ہوں میری وہ انتظار کر رہی ہوگی سوری یار بھائی ذرا پھٹے سے اکھڑ گئے انہیں چپکا کے آیا ہوں وہ ذرا مصروف ہیں آج تمہیں نہیں مل سکتے یہ بات بہت جلد بتا دی مجھے کیا بہت دیر ہو گئی نہیں نہیں صرف دو گھنٹے کرن بیٹی پاپا ارے آج آپ گھر پہ ہی ہیں تیری ماں گھر پہ نہیں وہ کہہ گئی تھی کرن پہ ماں کی نظر رکھنا میں نے کہا بھی کہ بچی پہ اگر اتنی وزنی نظر رکھ دی تو کہیں بچی بالکل ہی نہ بیٹھ جائے چائے بناؤ نہ بنا نہ بنا کہاں جا رہی ہو بیٹی ایک بہت اچھی فلم آئی ہے پاپا میرے ساتھ دوسرا کون میرے پاس تو ایک ہی ٹکٹ ہے تو سمجھدار ہے باشعور ہے بہتر تھا سیٹیں دو لیتی دوسری کس لیے بھائی کونے والی پہ خود بیٹھتی اور بازو والی خالی رکھتی وہ کیوں تاکہ پوچھنے والے سے تو یہ کہہ سکتی کہ جگہ خالی تو ہے مگر ماں کی مرضی کے بغیر قبضہ نہیں مل سکتا بھائی کام کیوں بند کر دیا کام کل ہوگا آج کیا ہے میں نے کسی سے وقت لے رکھا ہے کس سے ڈاکٹر سے نہیں وکیل سے نہیں سسرال والوں سے نہیں کسی یار سے بھی لے رکھا ہے تو اسے کینسل کر دو آج تم نے تین گانے گانے ہیں کیا کھانا نہیں کھانا ہے کھانا تو کھانا ہے مگر یہ سینما کس نے جانا ہے پتا نہیں صاحب میں نے تو بازار سے راشن لانا ہے شاید بھیا نے جانا ہوگا لیکن وہ تو اس وقت اسٹوڈیو میں فن کے سمندر میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے چلو فلم ہم ہی دیکھاتے ہیں لگا لے دلہنیا ہاتھوں میں
नशा और टॉफी खिला के मुझे लूटना चाहती है। जिसकी बदौलत ये तुम मुंह पे सुर्खी पाउडर थोप कर घर से निकलती हो, बंदा समझे किसी शरीफ घर की इज्जत हो। पहले मेरे परस पर आंख रखी, परस निकाल के मैंने दूसरी जेब में रख दिया, फिर मुझे नशावर टॉफी पेश की, मुझे बेहोश करके लूटना चाहती थी ये लड़की। क्या कह रहे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? बताइए मैनेजर साहब, ऐसे लोग पकड़े जाने पर सबको भी मार देते हैं। खबरदार, जो कोई ऐसी हरकत की तो वो तो लड़की समझ के जरा रियायत बरत रहा हूँ, वरना पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता। और चलो दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ पे नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, जाओ। किरण आ गई, जरा प्लीज मेरे अलमारी से टॉवल देना। खुद ही देख लिया, इसे तो मैं दिखाने लाई थी। खुशबू, ओहो, अब बड़ी भी बनकर मशहूरों की पटारी खोल के मत बैठ जाना, कहने सुनने का वक्त गुजर चुका, लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ इसे। खुशबू, लड़कियां कलियों की तरह मासूम और लड़के फवरों की तरह हरजाई होते हैं। जिंदगी का इतना नाजुक फैसला करने से पहले पूरा इत्मीनान कर लिया तूने। उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई थी, किसी को चाहा नहीं था उसने, जो तेरे सामने बोले उन्हीं लफ्जों से गुमराह नहीं किया था किसी और को। अब मैं इसकी मंजिल हूँ, और मंजिल तक पहुँचते पहुँचते मुसाफिर के रास्ते में कई मकाम आते हैं, जहाँ वो रुकता है, सुस्ताता है, किसी पेड़ की छांव में बैठ के कोई गीत गाता है और आगे बढ़ जाता है। अगर उसके सुस्ताने का किसी ने कुछ और मतलब ले लिया हो तो ये उसकी कम अकली है। उसने खुद मुझसे कहा, एक आध लड़की बेमौसमी बारिश की तरह आई थी मेरी जिंदगी में, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी हूँ। तुम उसके माजी को भूलकर उसे अपना लोगी? अगर वो मेरा अपना है, बरसात में भीग कर घर आया है, तो क्या मैं उसे इसलिए बाहर रोक दूंगी कि उसके कपड़ों पे सड़क के पानी के छींटे हैं, जूतों पे कीचड़ है जिससे कालीन खराब होने का अंदेशा है? किरण, उसे मेरे दिल से दूर करके मुझे बेमौत मत मारो, हमारे मिलने की दुआ करो। आज उसने मुझे खाने पे बुलाया है, वो मुझे देखेगा मैं उसकी आंखों में डूब जाऊंगी। मोहब्बत के उन लम्हों में वक्त का होश किसे रहेगा? मेरे पीछे मामा चेक करने आए तो सिचुएशन संभाल लेना। खान, गाड़ी क्यों रुक गया? इससे तुम अपने गुल गुलजार का गला नहीं काटोगे, पेट्रोल खत्म हो गया। रात है, रास्ता सनसान है, हम पेट्रोल लेने को जाता है, हमारे पीछे कोई खाना खराब के बच्ची अजाब बने, तो ये हमारे रफीक तुम्हारा मदद करेगा।
शुक्रिया। अपनी गाड़ी ना हो तो आखिरी शो और रात के खाने की दावत कभी कबूल नहीं करनी चाहिए। सावन के रिमझिम में जाना पहचाना चेहरा नया नया लगता है। बूंदों की पायल में सदियों पुराना नगमा नया नया लगता है। सावन के रिमझिम में अभी बारिश रुकेगी हवा ठंडी चलेगी तुझे सर्दी लगेगी। ओ अभी बारिश रुकेगी हवा ठंडी चलेगी तुझे सर्दी लगेगी। ओ तुझे बाहों में लेकर इन हवाओं से बचाना अच्छा लगता है। लगता है ओ सावन की रिमझिम में के पीछे कहीं पलकों के नीचे धनक रंगों के शीशे। हाँ कहीं पत्तों के पीछे कहीं पलकों के नीचे धनक रंगों के शीशे। तुझे इन भीगते रंगों में अपना मुस्कुराना कैसा लगता है। नया नया लगता है सावन की रिमझिम में जाना पहचाना चेहरा नया नया लगता है। सावन की रिमझिम आइए आइए। मैं ये सोच ही रहा था कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। क्या मतलब आपने भी अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब दो प्यार भरे दिल गाना गाते हैं तो ऊपर से गुंडा किस्म की चीज जरूर आ जाती है। आपको भी राशन के लिए इमदाद या बच्चों के लिए फीस वगैरह चाहिए तो बंदा हाजिर है। मैं इसे उठा के रह जाऊंगा। ये मेरी मोहब्बत है जी। सूरत है। चलो खुशबू घर चले। नहीं ये मेरे अड्डे पे जाएगी। इसे भी ससुराल जाना है जी। जिस पे मैं आँख रख दूँ उसकी जोड़ी नहीं उसकी। तेरे मुँह में खाक, तेरे घर माँ बहन नहीं है। लेकिन तूने हाथ जोड़ दिए कि कहीं मेरा हाथ आप पर उठ ना जाए। क्यामत है क्यामत है क्यामत। चुल्लू समुंदर का गिरेबान पकड़ेगा जरा
पहाड़ से टकराएगा। जा जा जा, ये तेरे बाजू नहीं ककड़ियां हैं, मछलियों की ककड़ियां हैं। ये किसी बेगैरत जिस्म के साथ लटके हुए उसमें नहीं, ये बाजू मोहब्बत के लिए चार दीवारी, कमजोर के लिए सहारा और तेरे लिए फांसी का फंदा है खीरे। खुशबू, दांतों का भूत बातों से नहीं मानेगा, इसे जूडो स्टाइल, कराटे स्टाइल, कंग फू स्टाइल या फिर देसी स्टाइल, किस स्टाइल से मारूं? शलगम स्टाइल। शलगम स्टाइल दिखाऊं? दिखाओ जी, जी। पूछने तो आएंगे उन्हें टाला कैसे। खुशबू मामा, यार हमें तो मॉडर्न मामा की जरूरत थी और हमारे मामा तो बहुत पुराने ख्याल की हैं, ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, यूं लगता है जैसे हम हॉस्टल में हैं और हमारी मामा मॉडर्न। क्या डाकू? ये मैं हूँ, डाकू नहीं। अंदाज तो बिल्कुल ही डाकवाना था, जिस तरह डाकू तकिया खींच कर पूछते हैं, दसों चाबियां कितने? आप सोए नहीं? तुम्हारा जहन, जमीर, सोच, फिकर सब कुछ सो चुका है। मेरी उम्र के सारे प्रोफेसरों का यही हाल है। आपके इस वक्त नागहानी जागने की वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हें मालूम है खुशबू अब घर आई है। तो खुशबू के साथ बगावत की बू तो नहीं आई? इससे पहले कि हमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, लड़कियों के हाथ पीले कर दो। रात के 12 बजे क्या दिन नहीं चढ़ना? दिन उनके लिए चढ़ता है जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। कुछ दिन कॉलेज जाना छोड़ दो और लड़कियों के लिए रिश्ते ढूंढो। भाई कुर्बानी के बकरे लेने होते तो बकर मंडी से जाकर ले आते, अब इंसानी रिश्तों की कोई मंडी तो है नहीं, कहाँ जाऊँ? अरे वो तुम्हारा दोस्त नहीं, जागीरदार। तो कौन सा जागीरदार? वो ही जिसका टेलीग्राम आया था। हाँ, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक बच्चा भी आने वाला था, क्या वो आ गया? खुदा जाने किस दुनिया में खोए रहते हो, अगर वो आता तो तुमसे मिलता नहीं। अरे कहाँ चले? थाने, बच्चा नहीं आया और अखबारों में अगवा के केस आ रहे हैं। आराम से बैठो, बच्चे गरीबों के अगवा होते जागीरदारों के नहीं। अपने दोस्त को खत लिखो। तो दोनों बेटियों के आदात और औसाफ लिख कर भेजे देते, अब ये तो मालूम नहीं उनके हाजिर स्टॉक में कितने बेटे हैं। बहरहाल अगर 5-7 बच्चे हैं तो लिख के भेजे देते हैं कि 2 आदमी के बच्चे हमारे लिए रोक लें। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ बड़े घरानों में एक आध कुत्ते का बच्चा भी होता ही है गेट पर। किसे
कत्ल करके कह के लगा रहा है अश्मत? ये गोली वहशत में नहीं खुशी में चली है, दो रिश्ते आए हैं तेरे लिए। तू अभी तक मेरी शादी के ख्वाब देखती है आपा। मर्द की जात का क्या भरोसा, अब क्या कर गुजरे? अरे अकल के नाखून लो आपा, मेरे दोस्त का खत आया है, उसकी दो बेटियां। नेक नसीब, हमारे घर में भी तो दो बेटे हैं। ना, ना, मेरा एक ही बेटा, दूसरा कुछ नहीं। उस कवैये को मैं अपनी वल्दियत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। एक शेर व शायरी करती है वो हशमत खां की बहू नहीं बन सकती। बता सलीम के लिए मुझे दूसरी का रिश्ता मंजूर है। इतनी जल्दी हामी ना भरो, सलीम से मशवरा तो कर लो। तुम्हारी शादी में हमारे बाप ने तुमसे मशवरा किया था, तेरी शादी में मुझसे राय ली थी। हमारे खानदान में दुल्हन बुजुर्गों की पसंद से आती है और बच्चे निभा करते हैं, बस। कुछ पता भी है लड़की का रंग रूप नाक नक्शा कैसे? मेरा दोस्त मुगल है, मैंने पुराने मुगल नहीं देखे, मुगलई आर्ट देखा है। हालात कितने भी बिगड़े, मुगलों के नए नक्श नहीं बिगड़ते। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मंगा लेता हूँ तस्वीर। नहीं मंजूर मुझे ये शादी, जिसमे रजामंदी जिंदा इंसानों से नहीं ली जाती, फैसला बेजान तस्वीरें देख के किया जाता है। तू घर से भागेगी? जिस जगह दम घुटने लगे वहां से इंसान भाग जाता है। भाग के कहां जाएगी? अपनी जान से कहूंगी मुझे एक घर बना दो जिसमें मोहब्बत की कंदील रोशन हो और जिसके आंगन से दिल टूटने की सदा सुनाई न दे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू भी दीवार बनेगी, तू भी मामा बन गई, जल्दी है मुझसे। खुशबू, मामा ने तेरे प्यार को ठुकरा दिया तो तू मुझे भी अपनी तरह महरूम देखना चाहती है। मैं कांटा नहीं कि तेरे दिल में उतर जाऊं। हम कलियां हैं एक शाख की, मेरे नसीब में किसी मजार पे चढ़ना लिखा है तो तू किसी सहरे में कूदे, खुशियां तेरा मुकद्दर बने। जा, तेरे हिस्से की मार मैं खा लूंगी। किरण मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। जल्दी जा, कहीं मामा ना आ जाए। शौर की कंदील रोशन है, उस पढ़े लिखे मुहज्जब घराने में हाथ उठाना आपको सेफ नहीं देता। मैं बुझा दूंगी उन चिराहों को जिनकी रोशनी आंखों से हया छीन ले, फूंक दूंगी उस तहजीब को जो बेटियों को घर से भागने का मशवरा दे। खुशबू के कदम बेघर हुए तो सोचिए इसके असबाब क्या थे। खुशबू तुम्हारी औलाद है मामा, इसके दर्द का एहसास करो। हमने इसका बुरा सोचा है? अरे जिस घर में इसकी शादी तय की है उस घर में फाका नहीं रोटी है, जिल्लत नहीं इज्जत है। लड़के के बाप की आंखों में तुम्हारे बाप के लिए शर्म है। इस घर से खुशबू सिर्फ जाते वक्त रोएगी, लेकिन अपनी पसंद की शादी करके इसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मामा, अब तेरे मशवरों का वक्त गुजर चुका है, शादी की तारीख तय करके इसकी ससुराल को हम तार दे चुके हैं। सलीम, तुम्हारी फूफी सख्त बीमार है, जल्दी पहुंचो। फूफी, अब्बा, अब्बा, मैं तार पड़ते ही चला आया। आप यहाँ कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं बैठे क्या फूफी? छोटे,
तू आ गया छोटे। मेरी फुफी, मेरी फुफी। तू अच्छा तो है बेटा। शहर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू तो अच्छी है ना फुफी? अरे मैं बुरी कब थी? चल इधर आ, तू अपने बाप के पास बैठ, बातें कर। मैं मोहल्ले से होकर अभी आती हूँ। अच्छा, रास्ते भर क्या बुरे बुरे ख्याल आते रहे। फूफी अच्छी थी तो बीमारी का तार क्यों दिया आपने? जिस मकसद के लिए तुझे बुलाया है, अगर वो मकसद मैं तार में लिख देता तू कभी ना आता। मकसद? कौन सा मकसद? ये ले तार पढ़। अगले जुम्मे तक बारात ले आए। बहुत अच्छा किया आप, ये नेक काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। किसी की बहुत कमी थी इस घर में। तू रजामंद है? आपका सादतमंद बेटा क्यों रजामंद नहीं होगा? बेटे जवान होकर बाप के हरीफ बन जाते हैं, लेकिन मैं उन नाखल्फ बेटों में से नहीं हूं जो दूसरी माँ के आने पर लाठी लेके खड़े हो जाते। दूसरी माँ? आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना? जूता मारूंगा। शादी मेरी नहीं तेरी हो रही है। तेरी? क्यों नहीं? अब्बा, मैं जबान दे चुका हूँ। जुबान से फिर जाइए। मैं वादा कर चुका हूँ। वादा खिलाफी कर दीजिए। मैं पत्थर हूँ, कांच नहीं, जिसे गिरची गिरची कर दिया जाए। मैं भी आपके वजूद का हिस्सा हूँ, आपका खून आपका बेटा हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? करूंगा, मगर आपकी पसंद की नहीं। हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है, उसे ललकार रहा है। जिसे गुस्सा आ जाए तो हलाकू की पगड़ी ढीली हो जाए, जिसके जलाल से गांव का दर्रा दर्रा कांपता है। बेटा जलाल पिदरी से रहम मांगता है। सलीम जी बहुत। जब तू पैदा हुआ तो तेरे कान में अजान किसने दिलवाई? आपने। तेरे खतने किसने करवाए? आपने। तेरा अकीका किसने कराया? मेरे बाप ने। तेरी शादी किसकी मर्जी से होगी? मेरी मर्जी से। हमारा फैसला तुझे मानना होगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जमींदार पागली के बेटे पीर बख्श, और पीर बख्श के बेटे इमाम बख्श, और इमाम बख्श का बेटा हसबत अपने बच्चे की कसम खाता है। जहाँ वो चाहता है वहाँ तेरी शादी ना हुई तो मिट्टी का कफन ओढ़ कर अपने बुजुर्गों के पहलू में सो जाएगा। बता, कुछ तो बोल। अरे हशमत हशमत, तेरे कलेजे का टुकड़ा मछली की तरह तड़प रहा है और तू किसी खंडर के सुतून की तरह खड़ा। अरे क्या करूं? अरे कुछ तो कर। अरे डॉक्टर को बुला। डॉक्टर जी, मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, फरमाइए। अदले जहांगीर आ गए डॉक्टर। आपने मुझे याद किया। हाँ, कांप क्यों रहे हो? आपके डर से। हम पागल हैं? जी हाँ। नहीं 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 नहीं, आपका भरोसा नहीं। कभी सलाम करने पर थप्पड़ मार देते हैं और कभी गाली सुनकर इनाम देते हैं। हमने तुम्हें अपना शख्सी खाका लिखने के लिए तलब नहीं किया। हमारा आशी मिजाज देखकर जिंदगी भर बीमारी हमसे कोसों दूर भागी है, इसलिए हमें तुम्हारा थर्मामीटर मुंह में लेने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। कौन बीमार है? हमारा बेटा। इंसानी बीमारियों का कितना इल्म है तुम्हें? मेरे पास इल्म तो ज्यादा नहीं, तजर्बा बहुत है। तजर्बेकार जिन अनाड़ी फरिश्ते से बेहतर होता है। बरखुरदार ने खाया क्या था? हमने कसम खाई थी अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी करने की। जब उसने ये सुना जमीन पर गिर के लौटने लगा। शादी रोक दीजिए ना।
अरे तुम्हारी सांस रुक सकती है मगर ये शादी नहीं रुक सकती। दो दिन के अंदर अंदर उसे पैरों पे खड़ा कर दो वरना गोली मार दूंगा। मरीज कहाँ है? ऊपर। अच्छा जी। देखो डॉक्टर इसे क्या हो गया है, एक टांग बिठाती हूँ तो दूसरी उठ जाती है। आप इसकी दोनों टांगे दबाने की कोशिश करें, मैं अभी चेकअप करता हूँ। आए आगे खोलो, मुंह खोलो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा आप जरा बाहर तशरीफ ले जाएं। क्या करना है तुम्हें? मेरा मतलब है कि मुझे एक बोतल खून और एक बोतल पेशाब लेना है, लेना है। आप चले जाए, जाए जाए। हाँ ठहरो ठहरो। ये तस्लीम किसका नाम है? वो इसका जुड़वा भाई है। बेटा बेटा। मैं समझ गया। क्या समझ गए? क्या बीमारी है इसे? एफ के बोल। आए मर गया। ट्रिप्लिनिया सर्कलोजिया जिम्नास्टिक ऑफ द फीवर, ये बीमारी नई नई हमारे मुल्क में आई है। इस मरीज को अस्पतालों में बिल्कुल नहीं ले जा सकते और ना कोई डॉक्टर वेद हकीम इसका इलाज कर सकते हैं। ये बीमारी किसी अजीज की जुदाई में आती है और जैसे ही मरीज अजीज को देखता है खुद ब खुद नौ ब नौ यानी के ठीक हो जाता है। आप उसे बुला लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं बीज भी छोड़ता हूँ। जान बची तो ना पाए ना समझते ना। देख तेरा लाल तड़प रहा है। मैं इसके तड़पने का तमाशा देख सकता हूँ मगर उसके अनजान की सूरत नहीं देख सकता। ना देखे ना देखना, आंखों से पट्टी बांध लेना। वो यहाँ आएगा तो खत लिखकर मैं बुलाऊंगी। वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। आंख से आंख की पुतली चली जाए तो चेहरे को जिंदगी भर एहसास रहता है कि यहाँ कुछ था जो चला गया। मैं जानता हूँ मेरे जाने से आपको फर्क तो नहीं पड़ा। फूफी छत से गिर गई, आखिरी प्यार लेना हो तो चले आओ, ये खत मैं पढ़ के आया हूँ। तू आ गया किस लिए बेटा? तू तो अच्छी भी ली पुप्पी। देख देख के जीती हूँ तुम दोनों को। किस दिल से लिखती कि संग दिल बाप की कैद में तेरा भाई बीमार पड़ा। क्या हुआ उसे? कई दिनों से बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ तेरा नाम लेता है। तू ऊपर जाकर उसकी जलती हुई आंखों पे अपने दीदार के फाहे रख। मैं दरगाह पे चादर चढ़ा के उसकी सेहत की दुआ मांग। हाँ, हाँ। बताता हूँ बताता हूँ, जल्दी से दरवाजा बंद करो। आहिस्ता, तुम तो जानते हो अब्बा के कान। एक पल रुलाता है एक पल हंसाता है, ये कैसी धूप छांव है। गम खुशी का ये कैसा संगम है छोटे। अब्बा के अंदर एक साथ हिटलर नेपोलियन हलाकू चंगेज की रूहें हलूल कर गई है। मेरे चारों तरफ अपनों ने जबर के पहरे लगा दिए हैं। जबर के माहौल में परिंदे भी घोंसलों में दम तोड़ देते हैं। मुझे खुली फजाना मिली
ताजी हवा ना मिली तो मैं भी दम तोड़ दूंगा। छोटे, अब्बा बांधकर मेरी शादी करना चाहते हैं और मैंने बीमारी का ढूंढ रचा रखा है। मुझे यहाँ से निकालो भैया। मैं निकालू? बिन बुलाए मेहमान को जूतों में जगह मिलती है। मैं इस घर का वो फर्द हूं जिसे नाराज बाप जूतों में जगह देने के लिए भी राजी नहीं। मेरा जुर्म मेरा संगीत है। मेरी वो कहां सुनेंगे, मेरी वो कैसे मानेंगे? तुम इसी तरह बिछे रहे तो रौंदे जाते रहोगे भैया। लेट के जीने से खड़े होके मरना बेहतर है। ये दुनिया सच्चाई, सादगी, सादा दिली को नहीं मानती। इसे अपनी हिमायत में करने और झुकाने के लिए सिचुएशन की कड़ाही में डालकर चक्कर का तड़का देना पड़ता है। क्या मतलब? गौर से सुनो। मुझे यहाँ से भगाने और अपने संगीत को अब्बा की नजरों में मकाम दिलाने के लिए अब्बा को क्या दो? बोलो बोलो। चक्कर। क्या काम है उससे? मैं नक्शे फरियादी, वो दस्ते सबा, वही मेरी सुनने वाला कान है। मुझे जो कुछ कहना है उसी से कहना है। मुझसे कहो। आपसे? नहीं नहीं, आप मेरी कहां सुनेंगे? मैं तो राइंदा दरगाह हूँ, जूतों से झाड़ी हुई गर्द हूँ, दहलीज से बाहर फेंका प्याज का छिलका हूँ। बदल सकती है तेरी हैसियत, बदल सकती है। छोड़ दे संगीत। संगीत रूह की गजा है, संगीत छुटा तो रूह मर जाएगी। सिर्फ यही शर्त है तुझे तेरा खोया हुआ मकाम वापस मिलने की। संगीत क्या इतनी बुरी चीज है कि उसके सुरों पर से बेटा कुर्बान कर दिया जाए? ये भिखारियों का पेशा है। तानसेन भिखारी थे? बैजू बाजा, अमीर खुसरो, वाजिद अली शाह भिकारी नहीं शहंशाह थे। तारीख आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा, बैजू पावरा के गाने से पत्थर पिघला था। अखबार आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, मेहदी हसन के गाने से गिलास टूटा था। संगीत फितरत की अता है, संगीत बीमारों की शफा है। बहुत दावा है तुझे अपनी संगीत की ताकत का, तो दीपक की तान उठा और अपने भाई को पैरों पे खड़ा करने के लिए गा, बल्हार गा। यही तो मैं आपकी जुबान से कहलाना चाहता था। चुप क्यों है? गा। नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, गा। ताकत के बल पर आंखों से आंसू तो निकाले जा सकते हैं, मोर को नाचने, शबनम को कमल की पत्ती पर गिरने और सच्चे फनकार को गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं इनकार सुनने का आदि नहीं, तुझे गाना होगा। तू खुले आसमान तले गाएगा, सारे गांव के सामने गाएगा। दिखा दे हमें आज आज रे, सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे। दोनों जहां के रखवाले, दोनों जहां के रखवाले, तू रखियो लाज लाज रे। सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे। We'll be right back.
कली फूल बन के मुस्काए। पुकारा मैंने तुझको सहारा देना मुझको, पुकारा मैंने तुझको सहारा देना मुझको, मेरा सच कर दे सपना दिखा दे जलवा अपना, हाँ मेरा सच कर दे सपना दिखा दे जलवा अपना। सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे, सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे। सवाली बन के आया बड़ी उम्मीदें लाया, सवाली बन के आया हाँ बड़ी उम्मीदें लाया। सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे, सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे। तुम जहाँ के रखवाले जहाँ के रखवाले, तू रखी यो लाज लाज रे। सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे, सात सुरों की सच्चाई दिखा दे हमें आज आज रे। दोनों जहाँ के रखवाले, तू रखियो लाज रे। तू रखियो लाज रे। तू रखियो उस रात के लिए जिसने तुम्हें हमारे सुल्म से पैदा किया और हमें तुम्हारा बाप बनने का फख्र अदा किया। बेटा हम हार गए, तुम्हारा संगीत जीत गया। अब पहचान हुई, तू तो घर की मुर्गी को दाल बराबर समझता था। एतराफ करता हूँ, शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ अपनी कुछ फहमी पे। अब्बा बोल बोल बेटा, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। जिसका हीरे जैसा बाप हो उसे मोतियों की क्या जरूरत है। शाबाश शाबाश, बोल तुझे क्या चाहिए। सलीम को चंद्रोज के लिए शहर ले जाऊं अब्बा। जाएगा, ये शहर जरूर जाएगा, मगर दूल्हा बनकर नहीं। फूलन सुहाग का जोड़ा पहन ले, बेटी वाले केले के दरख्तों के दरवाजे लगा ले और उन पर खुशामदीद के बैनर सजा ले, और बारात का इंतजार करते करते उन्हें पता चले कि दूल्हा भाग गया है। तू नहीं जानता कैसा मातम होता है, कैसा कोहराम मचता है। सलीम दूल्हा बन के जाने वाला था, तूने उसे भगा दिया।
मैंने उसे गोली से बचाया है अब्बा, शादी से नहीं, मैं उसे अभी ढूंढ के लाता हूँ। खबरदार, उड़ता हुआ उल्लू पकड़ने से बेहतर है फंसे हुए तीतर पे सब कर। तूने उसे भगाया है, उसकी जगह शादी तेरी होगी। नहीं, शादी मैं अपनी मर्जी की करूंगा। इस निकाह में मेरी मूंछ का सवाल है। और मेरी जिंदगी का? दिल पे पत्थर रख के ये निकाह मेरी मूंछ के लिए कर ले, दूसरी अपनी जिंदगी के लिए कर लेना। नहीं अब्बा, मैं दो से इंसाफ नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए एक ही काफी है। नहीं, वो एक मेरी पसंद की होगी। ये जुल्म है, तशद्दुद है। मैं शिमर नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ, किसी डायन से तेरी शादी नहीं कर रहा। देख लड़की कैसी है। रुको 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 रुको, एक मिनट। हमें आज पता चला हमारे इलाके में लोड शेडिंग का वही वक्त है जो हम अपनी बेटी की रुखसती के लिए दे चुके हैं, लिहाजा हमारी बेटी खुशबू को अपनी दुआओं के साथ रोशनी में रुखसत करने के लिए हीर रांझा शादी घर तशरीफ लाएं। वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। माजरत खा बेगम प्रोफेसर अबुल हसन। नहीं, खुशबू किसी और की नहीं हो सकती, वो मेरी है, मेरी है। किरण, जिसे मैंने चाहा मुझे मिल ना सका, जिसे तूने सराहा तुम ना पा सके। जब मैं इस घर से रुखसत हो जाऊं तो मेरी जान से मिलना, उससे कहना खुशबू बेवफा नहीं, बेटी थी, तुम्हारी ना हो सकी, माँ बाप की इज्जत पर से कुर्बान हो गई, उसे बद्दुआ ना देना, भूल जाना। चुप हो जा खुशबू, मेरी आंखों में भी आंसुओं का समंदर है, छलक पड़ा तो उसमें सारी पहाड़ डूब जाएगी। किरण, मुझे लेने वाले आ गए। ले भाई अबुल हसन, हम आ गए। बेमुरव्वत, तेरे घर अगर बेटा और मेरे घर बेटी ना होती तो तू तो शायद मेरे जनाजे पे भी ना आती। ऐसे खुशी के मौके पर मनहूस बातें मत कर। अब मेरी और तेरी दोस्ती का नाता हमारे पोतों और नवासों के रूप में जिंदा रहेगा। बेटे, ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ? क्या तुम्हारी पीठ पे किसी ने पिस्तौल रख दी? जी नहीं। जी नहीं। अरे दामाद से मजाक तो मत कर। फिर क्या तुझसे मजाक करूं? चलो लड़कियों पीछे हट जाओ, देखो कोई पैर के नीचे ना आ जाए। आइए। अरे लड़की रास्ता दो, खुशबू को तैयार कर दिया। अबुल हसन, तू बुड्ढा हो गया मगर तेरी तबीयत में शरारत कूट कूट कर भरी हुई है। ले वे जल्दी से निकाह पढ़वा, हमें जाना। हशमत, मैंने बेटी पैदा करके 18 साल तेरा इंतजार किया और तुझे आके जाने की इतनी जल्दी। मौली साहब, आप जरा मेरी बेगम के पास जाए और उनसे कहें कि वो आपको दुल्हन के पास लेके जाए ताकि आप उसकी रजामंदी लेके आए। अच्छा जी। अशमत, तेरा कमरबंद लटक रहा है। बात ना कर। एकदम झुक गया। बेटी, तूने बेवड़ा साथ में 35 रुपए 98 अजीजी तस्लीम खां वलद अशमत खां के निकाह में दिया जाता है, बोलो तुम्हें कबूल है? बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है?
बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? खुशबू, मौलवी साहब क्या पूछ रहे हैं? हाँ कहो, हाँ। अगर लड़की ने हाँ कह दी तो आपका क्या बनेगा तस्लीम खान साहेब? बोलो, तुम्हें कबूल है? दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया, दूल्हा भाग गया। ये तेरा ही बेटा है ना? हाँ हाँ। तो भाग क्यों रहा है, भाग क्यों? दुनिया की नजरों से बच के। मेरी जान। मुझे छूना मत, मुझे छूना मत। इसलिए कि मैं बेवफा हूँ, गद्दार हूँ, हरजाई हूँ। तुम जो भी हो मेरे लिए नहीं हो। मैं कसम ले लो, ये जोड़ा मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए पहना है, अपनी खुशी से नहीं। मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? माफ कर दो। जानो हशमत, हशमत, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। चोट लग जाएगी तुम्हें, आ जाओ वापस, आ जाओ, चोट लग जाएगी, आ जाओ वापस, चोट लग जाएगी। आप पहचान गए? आपको कैसे भूल सकता हूँ? क्या क्या लेने आए हो? जिसके दामन में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या बना देगी? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाप रे, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो क्या ये घर से मिर्चे खा के निकला है? पकड़ा गया। कोई और सवारी नहीं मिली? भाग क्यों रहे हो कमीने गवैये? तू यहाँ कैसे आया? बेगम, ये तुम्हारा दामाद है। ये चोर हमारे घर से किरण चुराना चाहता था। हाँ, हम उसी शमा के परवाने हैं। इस शादी के लिए हम पिस्तौल की नाली पर रख के लाए गए हैं। हाँ, असली दूल्हा मैं हूँ, असली दूल्हा मैं हूँ। शादी मेरी होने वाली थी। तो भागा क्यों था? आपने दुल्हन की तस्वीर मुझे दिखाई, इसे दिखा देते तो ये चक्कर कभी ना चलता। हाँ। भाई साहब, ये दोनों आपके बेटे हैं? आप अभी मेरी पेशानी से नदामत के टपके हुए ये दोनों कतरे मेरे। एक को दूल्हा बनाकर लाया था, अब आप एहसान करें तो यहाँ से दो दुल्हे ले जा सकता। हाँ ठीक है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं अपनी बेटियों पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। कैसा जुल्म? तुम्हारे इतने हूबहू बेटों को हमारी जहाँ दीदा नजरें नहीं पहचान सकती, तो लोड शेडिंग में हमारी बेटियां कैसे पहचानेंगी कौन किसका पार्सल है?
और कौन किसका बंडल है? बे, तू निकाल पड़वा, बाकी बातें बहुओं पर छोड़ दे। कौन हो तुम? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा जेठ नहीं, शौहर हूँ, सलीम। मैं धोखा खा चुकी हूँ, तुम तो मुझे पहचान लोगे, लेकिन मैं कैसे जानूंगी कि पार्टी में या सिनेमा में जो मेरे साथ है वो मेरा देवर नहीं शौहर है? तुम ऐसा करो, अपनी पहचान के लिए मुझ पे कहीं किसी जगह अपना इंतखाबी निशान लगा दो। गुड आइडिया, मुंह उधर घुमाओ। घुमाओ ना। लो घूम गए।